Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum, and we are doing chapter 5, which is Expansion and Consolidation of British Power in India. Last class mein Conquest of Punjab dekha tha and Anglo-Sikh Wars dekhe the, and today we will be dealing with the extension of British paramountcy through administrative policy. That is, apart from annexing the Indian states through wars, aapne dekha isse pehle jitne bhi states ko unhone annex kiya, Mysore ho gaya, ठीक है, मराठा एम्पायर हो गया, और इससे पहले आपने सिंध देखा, एंड नाउ पंजाब सिख एम्पायर. सो ऑल दीज दे एनेक्स्ड और कॉन्क्वर्ड थ्रू फाइटिंग वॉर्स विद दोज इंडियन स्टेट्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसीज भी यूज की हैं उन स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए. ओके, बट बिफोर दैट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट लेक्चर्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर द इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी टू एक्सपेंड इट्स पैरामाउंसी इन इंडिया. डिस्कस इन डिटेल. तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा दैट आज हम लेक्चर में तीन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज योर रिंग फेंस पॉलिसी, सेकंड सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो ये क्वेश्चन इन तीनों को कवर करेगा, एंड इन पॉलिसीज के थ्रू ही ब्रिटिश ने खुद को और एक्सपेंड किया इंडिया में. ओके, लेट्स बिगिन देन. सो द प्रोसेस ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन. ओके, जो हम बात करते हैं बेसिकली आपका 1757 से 1857. सो द प्रोसेस ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी वॉज कैरिड बाय द कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ व्हाट इज दिस पीरियड? आपको पता है 1757 में क्या हुआ? द बैटल ऑफ प्लासी. एंड 1857 में क्या हुआ है? आपका रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इसमें हम बात करेंगे. ये पूरा आपका 100 ईयर्स का पीरियड है. एक सेंचुरी में कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को यूज़ करते हुए एक्सपेंड किया, ठीक है, खुद को. तो दो तरीके के मेथड्स उन्होंने एम्प्लॉय किए. द फर्स्ट वन वाज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर, विच वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, नाउ जो अब हम डिस्कस करेंगे, दिस इज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स. ठीक है, तो आपने पहले लेक्चर्स में देखा है दैट दिस सब्जुगेटेड the powers like Bengal, Mysore, Marathas, Sikhs, ठीक है, by waging wars against them. आपको पता है बंगाल में कौन से वॉर्स हुए थे? यही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था एंड में, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर्स है, एंग्लो मराठा वॉर्स हुए एंड एंग्लो सिख वॉर्स हुए. ओके, बट इन द केस ऑफ मेनी अदर पावर्स ब्रिटिश अप्लाइड डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. और यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आएगा आपका वॉरेन हैसिंग्स का रिंग फेंस पॉलिसी, वेल्सली का सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आप इंट्रो में ये डालेंगे. फर्स्ट पैरा को आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई हैव डन टुडे, ये जो तीनों पॉलिसीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, तो इनके लिए सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम करना जरूरी था. तो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यूज्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स. ठीक है, तो अब इसको आप मेन क्वेश्चन के आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं. अलग से ये जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको बताना ही है. तो ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की है आपकी? दिस हैज़ बीन नॉट स्टार्ट, आई एम रियली सॉरी, दिस पॉलिसी हैज़ बीन यूज्ड बाय वॉरेन हैसिंग्स. ठीक है, ही वॉज द गवर्नर जनरल. ओके, नाउ पीरियड क्या है? कौन से पीरियड में गवर्नर जनरल थे? द पीरियड इज 1773 से लेके 1785 तक. ठीक है, ये वो पीरियड है जब ये गवर्नर जनरल थे. अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, माइंड इट. ठीक है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन है, ठीक है, इंडिया इज डिफरेंट एंड बंगाल इज डिफरेंट. तो ये जो इंडिया का डेजिग्नेशन जब मिलना शुरू हुआ गवर्नर जनरल्स को, दैट इज पूरे इंडिया का जब उनको गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, सो इट वॉज आफ्टर सम अदर गवर्नर जनरल. ओके, एंड दैट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल वॉज विलियम बेंटिंक. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू गोना रीड दिस. ठीक है, तो आपको ये विलियम बेंटिंक याद रखना है दैट ही वॉज द गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया, द वेरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड कब बने थे ये बने थे 1828 में, ठीक है, विलियम बेंटिंक. ओके, ठीक है, चलो ये हो गया आपका. तो वॉरेन हैसिंग्स ने इस पॉलिसी को यूज़ किया है. ओके, विच एम डेड, अब इस पॉलिसी के टर्म्स क्या थे, ठीक है, या मेथड्स क्या थे. सो एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स. कैसे, इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज. होता क्या था इसमें बेसिकली, कि कोई भी इंडियन स्टेट है, ठीक है, उसके साथ अलाई कर लिया और कहा उससे कि हम आपके जो टेरिटरीज हैं, आपके जो फ्रंटियर्स हैं, उनको हम सिक्योर करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे. बट दिस वॉज समथिंग कि उसकी आड़ में, यू नो, देवर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज. कैसे सेफ गार्ड कर रहे थे बेसिकली, इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है व्हेन देयर वॉज द अफगान इन्वेजन गोइंग ऑन. ठीक है, तो कंपनी की टेरिटरीज को डेंजर था फ्रॉम द अफगान इन्वेडर्स एंड द मराठास एज वेल. तो खुद की टेरिटरीज को सेफ गार्ड करने के लिए, इस डेंजर से खुद को सेफ गार्ड करने के लिए, द कंपनी अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ अवध. अब आप देख रहे हैं अवध को ये बफर स्टेट की तरह यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये बफर जोन आपको ध्यान में रखना है. तो बफर स्टेट की तरह यूज़ किया ऑन द कंडीशन दैट द नवाब वुड डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द डिफेंडिंग आर्मी. सो इट्स लाइक अवध को बोला दैट ये जो इन्वेजन आप मराठास का हो रहा है और अफगान इन्वेजन्स हो रहे हैं, वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस. ठीक है, बट उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, उसके बदले में यू हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर सोल्जर्स एंड आर ट्रूप्स. ठीक है, तो खुद की आर्मी वहाँ पे स्टेशन कर दिया एंड उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका खर्चा उठाएगा इंडियन स्टेट. ठीक है, नाउ द डिफेंस ऑफ अवध constituted the defense of Bengal during that time. क्योंकि इस time पर Bengal में they were ruling. ठीक है, Bengal अच्छा खासा इनके administration में आ गया था, तो एक तरीके से वो खुद को protect कर रहे थे, Bengal को protect कर रहे थे. Now इसमें जो हमको देखने को मिलता है कि इस policy को use करके Warren Hastings ने किस state के against में ये policies use की हैं, वो है Marathas और Mysore, examples हैं. ठीक है, ओके, एंड अवध तो है ही आपका. नाउ स्टेट्स ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वर अश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन बट एट देयर ओन एक्सपेंस. वही बात, ठीक है, सेम चीज, दैट एक्सटर्नल कोई एग्रेशन होगा, कोई आके अटैक करेगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे बट खर्चा आपने उठाना है. अच्छा, अब इसको सब्सिडरी अलायंस से बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं करना, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में भी कुछ लगभग ऐसा हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है. सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स ऑल टुगेदर, एक दो को छोड़ के कि हाँ एक्सपेंसेस इंडियन स्टेट उठाएगा, बट बाकी टर्म्स उसके डिफरेंट है एंड दैट वी विल सी. ठीक है, नाउ वेल्सलीज पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रिंग फेंस सिस्टम. ये आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि इसी का एक एक्सटेंशन था, एक मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन फिर भी इट इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वॉज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यूज बाई द ब्रिटिश कंपनी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स. ठीक है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि वॉरेन हैसिंग्स ने इसको यूज़ किया है, थोड़ा डिफाइन करेंगे कि क्या थी ये पॉलिसी जिसमें आप बफर जोन्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल में देंगे कि मराठास और मैसूर के अगेंस्ट ये पॉलिसी यूज़ की गई है. ठीक है, एंड डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट, इंडियन स्टेट्स के फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे दे वर प्रोटेक्टिंग देयर ओन टेरिटरीज. ठीक है, एंड ऑल्सो एड दिस कंक्लूजन में कि वेल्सली का सब्सिडरी अलायंस वॉज द एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली, एंड इसको आप सब्सिडरी अलायंस के क्वेश्चन के आंसर में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसके लिए सब्सिडरी अलायंस के लिए फिर एक और क्वेश्चन है आपके पास. फर्स्ट, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. ठीक है, बताना है कि ओरिजिनेट इसको किसने किया था. सेकेंड, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ दिस पॉलिसी वॉज यूज बाय लॉर्ड वेल्सली. लॉर्ड वेल्सली ने इसको कैसे यूज किया, and then which Indian states were annexed using this policy, और इस policy को use करके कौन कौन से Indian states को annex किया गया. ठीक है, तो सबसे पहले जो question है कि originate इसको किसने किया, that is important. ये हम पहले I guess दो तीन बार देख चुके हैं. तो इसका originator Dupleix को कहा जाता है. Dupleix कौन है, the French governor. ठीक है, तो Dupleix को इसका originator कहा जाता है. Wellesley ने इसको
रीइंट्रोड्यूस किया या फिर इन्होंने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया एंड दैट्स इट. सो इट वॉज यूज बाई लॉर्ड वेल्सली हु वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 to 1805. ठीक है, ये बहुत बाद में आए हैं इनके. किसके बाद में? वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में. ठीक है, नाउ ही यूज दिस टू बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया. तो ये जो अलायंस सिस्टम है ना, इन्होंने पूरा सोच समझ के इसको यूज़ किया कि मुझे अब ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश करना है इंडिया में. ठीक है, क्या होता था इस सिस्टम के अंडर में? तो ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, द अलाइंग इंडियन स्टेट्स रूलर वर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी ऑफ इट्स मेंटेनेंस. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसको बना लीजिए. तो इसमें क्या है पॉलिसी के अंडर में कि जो भी इंडियन स्टेट अलाई कर रहा है, दैट इज ब्रिटिश का सपोर्ट ले रहा है, हेल्प ले रहा है, तो उसको एक तो सबसे पहले तो आर्मी, ब्रिटिश फोर्स की आर्मी जो है वो स्टेशन करनी पड़ेगी अपनी टेरिटरी के अंडर परमानेंट. वो भी परमानेंट, ऐसे नहीं कि चलो ठीक है काम हो गया खत्म एंड टाटा बाय बाय. नो, वो परमानेंटली वहाँ पे रहेगी, चाहे वॉर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है. दूसरा, उसका एक्सपेंसेस किसको देना है? उस इंडियन स्टेट को देना है. ठीक है, उस इंडियन स्टेट के हेड को देना है, उसके मेंटेनेंस के लिए सारा खर्चा उसने देना है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड, इंडियन रूलर हैड टू अग्री टू द पोस्टिंग ऑफ अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज योर मार्केट एज योर थर्ड पॉइंट. क्या है कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट, ब्रिटिश रेसिडेंट कुछ नहीं, एक एजेंट मान लो. ठीक है, जो ये जो इस पॉलिसी को जो अलायंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो भी टर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो प्रॉपर वो इंडियन स्टेट फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए एक एजेंट वहाँ पे ब्रिटिश अपना स्टेशन कर दिया उसने. ठीक है, तो ये जो है कोर्ट में रहेगा, उस इंडियन रूलर के कोर्ट में रहेगा, उसकी पोस्टिंग होगी. ठीक है, ये हो गया. देन नेक्स्ट इज योर, द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द प्रायर कंसल्टेशन विद द कंपनी. एंड दिस इज नाउ योर फोर्थ पॉइंट, कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, उसके अलावा कोई भी दूसरी यूरोपियन पावर, वेदर इट्स फ्रेंच, whether it's Dutch or whether it's Portuguese, आप इनमें से किसी को भी अपने यहाँ employment नहीं दोगे बिना English की permission के. ठीक है, ये आपका fourth point हो गया. Next is, nor could he go to war or negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General. Very very important, कि जो Indian ruler है वो पूरी तरीके से dependent है British company पे. क्या कह रहे हैं कि ये जो इंडियन रूलर है, और किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के. समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारा स्टेट ऑफ अफेयर्स इनडायरेक्टली यू नो कौन संभाल रहा है? कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी संभाल रही है. तो ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया, इसमें कंडीशन हो गई इसमें. और इन रिटर्न, अब इसके रिटर्न में क्या होगा? इन रिटर्न फॉर ऑल दिस, ब्रिटिश वुड डिफेंड द रूलर from his enemies, ठीक है, and adopt a policy of non-interference in the internal matters. ये कितनी contradictory बात यहाँ पर नज़र आ रही है. कह रहे हैं कि हम interfere नहीं करेंगे आपके किसी भी internal affair में, but interference तो already इतना कर लिया उन्होंने. आप British resident अपना दे रहे हो, negotiate नहीं करने दे रहे हो आप दूसरे Indian ruler के साथ, किसी दूसरे European power को employment नहीं देने दे रहे हो, interference तो काफ़ी हो गया. ठीक है, तो ये थोड़ा contradictory point है, but yeah. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इस अलायंस के, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्रैम देम एंड यू नो पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं ये फॉर प्रिलिम्स. ओके, नाउ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड वेल्सलीज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज टू कीप द फ्रेंच फ्रॉम रिवाइविंग. अब आपको पता ही है, बार बार आई कैप्ट सेइंग दिस, दैट इंडिया एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रहा था और उनको फ्रेंच को भी सीन से हटाना था, इंडिया से उनको हटाना था. तो यहाँ पे एक तरीके से फ्रेंच को भी वो रिवाइव करने नहीं दे रहे हैं. कैसे? क्योंकि एक कंडीशन आपने जस्ट अभी देखी कि किसी और यूरोपियन पावर के किसी भी पर्सन को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे. ठीक है, एंड एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया. सो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू वेल्सली ने फ्रेंच एक्सपेंशन को भी चेक. सो रिमेंबर दिस. ओके, यस. नाउ द सब्सिडरी अलायंस वुड expand the company's hold over the Indian states and gradually bring more and more territory into the company's fold. Okay, so it was not just some single state ki chalo ek ke saath kar liya, they were expanding it one state after the other, they were using this alliance system. Okay,
नाउ व्हाट वर द रिपरकशंस ऑफ दिस अलायंस सिस्टम. तो सबसे पहले तो इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑब्वियसली दे वर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश. नाउ दे वर नॉट फ्री ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रेसिडेंट, रेसिडेंट का प्लेस होना मैंडेटरी था. दे लॉस्ट मच ऑफ देयर रेवेन्यू पेइंग फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स. अब उनका ज़्यादातर जो खर्चा है, ज़्यादातर रेवेन्यू किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोल्जर्स, द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश. ऑल्सो द अलायंस मेड द इंडियन रूलर्स वीक एंड इररिस्पॉन्सिबल. ऑब्वियसली एक दूसरा आ गया है संभालने के लिए, ठीक है, और वॉर भी उसके उनके बिहाफ पे कोई और लड़ रहा है, तो क्या जरूरत है इंडियन रूलर्स को स्ट्रांग बनने की, ठीक है. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रेपरकशंस. ओके, नाउ कैसे इवॉल्व हुआ है ये सिस्टम और कैसे परफेक्ट हुआ ये सिस्टम, वी विल सी दैट. सो यहाँ पे लिखा भी, इट वॉज प्रोबेबली डुप्लेक्स हु फर्स्ट गेव ऑन हायर यूरोपियन ट्रूप्स टू इंडियन रूलर्स टू फाइट देयर वॉर्स. तो वही जैसे हमने देखा था, डुप्लेक्स वॉज द ओरिजिनेटर. एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नर जनरल्स फ्रॉम क्लाइव ऑनवर्ड्स अप्लाई द सिस्टम टू वेरियस इंडियन स्टेट्स एंड ब्रॉट इट टू नियर परफेक्शन. तो डुप्लेक्स ने इसको ऑरिजिनेट किया, शुरू किया, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में वेरियस गवर्नर जनरल्स ने इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को यूज़ करके स्ट्रेंथन की अपनी पोजिशन इंडिया में, ठीक है, जिसमें आपका एक क्लाइव का नाम भी आता है अपार्ट फ्रॉम डुप्लेक्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ एक वेल्सली ने इसको एम्प्लॉय नहीं किया है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, ठीक है, देर आर अदर गवर्नर जनरल्स एज वेल. नाउ फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉल इन टू दिस प्रोटेक्शन ट्रैप, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोटेक्शन ट्रैप विच एंटिसिपेटेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज अवध. तो सबसे पहले जो इस अलायंस सिस्टम के अंडर के ट्रैप में फंसा, इट वॉज अवध. इन दी 1765 ईयर इसने एक ट्रीटी साइन की जहाँ पे कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपके फ्रंटियर्स को डिफेंड करेंगे ऑन द कंडीशन दैट नवाब विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सच डिफेंस. वही बात, ठीक है. फिर 1787 में कंपनी फर्स्ट इंसिस्टेड दैट सब्सिडरी स्टेट शुड नॉट हैव फॉरेन रिलेशंस, ठीक है. अब जब सबसे पहले ये सब्सिडरी अलायंस अवध पे लगाया गया, तो उस टाइम पर उन्होंने कंडीशन नहीं रखी कि फॉरेन रिलेशंस आप नहीं रखोगे, बाद में उन्होंने कंडीशन इंट्रोड्यूस की. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. दिस वाज इंक्लूडेड इन द ट्रीटी विद द नवाब ऑफ कार्नेटिक विच कॉर्नवालिस साइंड इन 1787. तो ये जो कंडीशन है ना, दैट फॉरेन रिलेशंस आपको नहीं रखने, दैट इज दूसरी किसी भी पावर के साथ आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं, तो 1787 में इंट्रोड्यूस हुआ. लेकिन नवाब ऑफ कार्नेटिक के साथ जब कॉर्नवालिस ने ट्रीटी साइन की 1787 में, तब वहाँ पर भी ये कंडीशन आपकी रखी गई, ठीक है. ओके, नाउ इसके बाद एप्लीकेशन देखें कि कैसे ये इसको अप्लाई करते थे, तरीका क्या था इनका. फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, द कंपनी ऑफर टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट वेदर इट्स ट्रूप्स टू फाइट एनी वॉर द स्टेट माइट बी एंगेज्ड इन. तो पहली स्टेज में क्या कहा उन्होंने जाके कि वी विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है, यू आर आर फ्रेंड एंड आर आर्मी विल फाइट फॉर यू एंड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर एनिमीज. पहला स्टेज ये. सेकेंड स्टेज में क्या बात होती थी, इट कंसिस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट नाउ मेड फ्रेंडली एंड टेकिंग द फील्ड विद इट्स ओन सोल्जर्स एंड दोज ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज धीरे धीरे करके अपने ट्रूप्स जो है वहाँ पे प्लेस कर दिए उन्होंने, एंड किसके ट्रूप्स भी यूज कर रहे हैं, उस स्टेट के, इंडियन स्टेट के ट्रूप्स भी वो यूज करने वाले हैं. थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, द इंडियन अलाई वॉज आस्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी. ऑब्वियसली खर्चा देना है, ठीक है. देन लास्ट स्टेज में द मनी और द प्रोटेक्शन फी वॉज फिक्स्ड, फिक्स कर दिया कि इतना तो आपको देना ही देना है, और ये फीस जनरली बहुत हाई होती थी. एंड वेन द स्टेट फेल्ड टू पे द मनी इन टाइम, इट वॉज आस्क्ड टू सीड सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरीज. देख रहे हैं मतलब कितना टैक्टिक्स यूज करके, टैक्टिकफुली इन्होंने जो है इस अलायंस को यूज करके एनेक्स किया है, टेरिटरीज को एक्वायर किया है. तो अगर फी अगर ज़्यादा आप चार्ज करोगे और इंडियन रूलर वो दे नहीं पाएगा, तो उसके बदले में इंडियन रूलर को क्या देना पड़ेगा, कुछ टेरिटरीज अपनी देनी पड़ेंगी कंपनी को, ठीक है. नाउ द कंपनीज एंट्री इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट हैड बिगन. अब धीरे धीरे जो ये कह रहे थे कि हम इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो उसके कॉन्ट्रडिक्ट्री उनका इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया. एंड इट वुड बी द ब्रिटिश रेसिडेंट to initiate, sustain and hasten the process of eventual annexation. तो ब्रिटिश रेसिडेंट का काम ही यही था
कि ये जो प्रोसेस है जिससे एनेक्स कर सकें वो उस स्टेट को, उसको शुरू करना, उसको सस्टेन करना, प्लस उसको हासन, दैट इज जितना जल्दी हो सके उस स्टेट को एनेक्स कर लेना. ओके ओके, नाउ कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया? ठीक है, द फर्स्ट वन हम देखेंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1790-1800 में. ठीक है, देन उसके बाद रूलर ऑफ मैसूर हैं 1799, रूलर ऑफ तंजौर हैं 1799 सेम ईयर, नवाब ऑफ अवध हैं 1801. एंड अच्छा, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट अवध वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट, ठीक है, टू फॉल इन टू दिस प्रोटेक्शन ट्रैप. तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, दोनों के बीच में, अवध के बीच में और इंग्लिश के बीच में, और जिसकी बेसिस कहीं ना कहीं दिस वॉज अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ओनली, बट प्रॉपर सब्सिडरी अलायंस इन्होंने, अवध ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है. तो सबसे पहले जो पूरा जो सारे सभी उसके कंडीशंस जितने भी हैं उनको इंक्लूड करके जो सबसे पहले किसी ने स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया, इट वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद. ठीक है, तो नवाब ऑफ अवध या फिर अवध आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करना है कि इट वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दी सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ गया तो यू शुड मार्क निज़ाम ऑफ हैदराबाद ओनली. ठीक है, देन यू हैव योर पेशवा, ठीक है, 1801 में, भोसले राजा ऑफ बिरार 1803, देन यू हैव सिंधिया 1804, राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, रूलर ऑफ भरतपुर इन 1818. ठीक है, एंड देन होलकर्स वर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट दी सब्सिडरी अलायंस इन 1818. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये सारे के सारे स्टेट्स क्रोनोलॉजी आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है, एंड अवध के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, दैट अवध वॉज द फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू फॉल इन टू द ट्रैप, बट नॉट द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एज अ होल. ठीक है, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. उससे पहले जरा इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं. सो हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, देन यू हैव योर एक्सप्लेन इन डिटेल द पॉलिसी, एंड नेक्स्ट यू हैव योर इंडियन स्टेट्स जो इस पॉलिसी के अंडर में आए. तो सबसे पहले तो आपको बताना है दैट डुप्लेक्स वॉज इट्स ओरिजिनेटर. ठीक है, फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट, ये जितने भी कंडीशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मार्क हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, उसके बाद रेपरकशंस बताएंगे, नेक्स्ट एवोल्यूशन एंड परफेक्शन बताएंगे, एंड उसके बाद एप्लीकेशन में उसकी स्टेजेस क्या थी, एंड इन द एंड द स्टेट्स विच एक्सेप्टेड द अलायंस. ओके, नेक्स्ट कम्स योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इट वॉज यूज अगेन बाई द लॉर्ड डलोजी. ओके, बट अगेन ही वॉज नॉट द ओरिजिनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई एक्चुअली गूगल्ड इट, सो आई फाउंड, बिकॉज ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा शायद कि उसका ओरिजिनेटर कौन था. तो जो मुझे मिला है इन्फॉर्मेशन, इट इज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनी ओरिजिनेटेड दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. बट या, इट वॉज वाइडली यूज बाई लॉर्ड डलहौजी, और उसकी वजह से, उनकी वजह से ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका फेमस हुआ. क्या था इस डॉक्ट्राइन में, इस पॉलिसी में क्या था? इट स्टेटेड दैट द अडॉप्टेड सन कुड बी द हीयर टू हिज फॉस्टर फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी. कहने का मतलब, सपोज किसी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है, ठीक है, नाउ उसका कोई लेजिटिमेट सन नहीं है, लीगल सन नहीं है, लेकिन शायद कोई अडॉप्टेड सन है, तो वो जो अडॉप्टेड सन है उसका पूरा राइट होगा अपने फादर के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर. बट इट वॉज फॉर द पैरामाउंट पावर टू डिसाइड वेदर टू बीस्टो द स्टेट ऑन द अडॉप्टेड सन और टू एनेक्स इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ब्रिटिश के पास पावर थी कि क्या उस अडॉप्टेड सन को थ्रोन पे बिठाना है या नहीं बिठाना है, या फिर उस इंडियन स्टेट को एनेक्स कर लेना है, एक्वायर कर लेना है. ठीक है, ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, बिकॉज इसी के बेसिस पर फाइनली यू नो मैक्सिमम स्टेट्स एनेक्स कर लिए गए थे, एंड ब्रिटिश कुड एस्टेब्लिश देयर पैरामाउंसी. ठीक है, सो दिस डॉक्ट्राइन वॉज स्टेटेड टू बी बेस्ड ऑन हिंदू लॉ. कहते थे ब्रिटिश, कहते थे कि ये तो हिंदू लॉ पर ही बेस्ड है, इंडियन कस्टम्स पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हिंदू लॉ में ऐसा कुछ डिफाइंड था ही नहीं कि जो
हेयर है उसको थ्रोन ना मिलके, एडॉप्टेड सन को थ्रोन ना मिलके, यू नो किसी और को जाएगा या फिर एनेक्स हो जाएगा. एंड द इंस्टेंसेस ऑफ द इंडियन सॉवरन एनेक्सिंग द स्टेट ऑफ हिज वेसल ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा था. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कोई नोवेल डॉक्ट्राइन नहीं था, कोई नई पॉलिसी नहीं थी एकदम से. इससे पहले भी कुछ इंडियन स्टेट्स ने इसको यूज़ किया है, बट बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस थे इसके. ऐसा नहीं था कि बहुत वाइडली यूज हो रहा. कहीं कहीं एक दो एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे, जिसमें एक आपका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है महाराजा रंजीत सिंह का. उन्होंने कुछ टेरिटरीज को एक्वायर किया, एनेक्स किया, फ्यूडेटरी प्रिंसिपैलिटीज जो थी उनकी, ऑन दी अकाउंट ऑफ लैप्स. लैप्स का यहाँ पे मतलब, अच्छा इसको समझ लीजिए आप ध्यान से कि लैप्स का मतलब है क्या है. लैप्स का मतलब वही है कि लीगल आपका एयर नहीं है, ठीक है. इसको आप जो भी प्रनाउंस करते हैं, हायर हेयर एयर जो भी है, ठीक है, दैट इज लीगल सन नहीं है उस थ्रोन पे बैठने के लिए, ठीक है. एंड दिस इज लैप्स. ओके, कि लैप्स हो गया, लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है बैठने के लिए, तो ये लैप्स हो जाएगा. थ्रोन जो है, सीट है, लैप्स हो जाएगी, ठीक है. तो इसको महाराजा रंजीत सिंह ने यूज़ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है. 1820 में उन्होंने कुछ सिस सतलज स्टेट्स को एक्वायर किया ऑन द एब्सेंस ऑफ हेयर्स, मतलब वहाँ पे कोई उस थ्रोन पे बैठने के लिए उस इंडियन रूलर का कोई सन नहीं होगा जिसकी भी डेथ हो गई, तो इन्होंने उनको एनेक्स कर लिया. बट देयर वॉज नो क्लियर कट इंस्टेंस ऑफ एन अडॉप्टेड सन बींग डिप्राइव्ड ऑफ एन एंटायर स्टेट. लेकिन ऐसा कहीं भी हमको क्लियर कट एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि अडॉप्टेड सन को पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि वो उस थ्रोन पे नहीं बैठ सकता, ठीक है. एंड सच ऑफ एंटायर स्टेट और ऑफ सच अ स्टेट बींग रिगार्डेड एज अ लैप्स. तो ऐसा इंस्टेंस क्लियर कट परफेक्ट एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है. Through this policy, though this policy is attributed to Lord Dalhousie, ठीक है, Lord Dalhousie was also your Governor General, and the year is 1848 से 56 तक ये Governor General थे. और यहाँ पे साफ साफ लिखा है he was not its originator, very important, ठीक है, originator नहीं थे. And it was a coincidence that during his Governor Generalship, several important cases arose in which doctrine could be applied. तो ऐसा प्योर मेयर कोइंसिडेंस था कि इनकी गवर्नर जनरलशिप के ही टाइम पे कई सारे इंडियन रूलर्स यू नो इधर दे डाइड विदाउट एनी लीगल हेयर, ठीक है, या फिर अडॉप्टेड सन जो है वो नहीं हो शायद किसी का. ओके, नाउ इनके जो प्रेडिसेसर्स थे दे एक्टेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग एनेक्सेशन. दैट इज लॉर्ड डलहौज़ी से पहले जो गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे अगर ऐसा होता था कि कोई इंडियन रूलर की डेथ हो गई है एंड कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जाके एनेक्स कर ले उस स्टेट को, वो उसको अवॉइड करते थे. वेयर एज डलहौज़ी इन टर्न एक्टेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनेक्सिंग इफ ही कुड डू सो लेजिटिमेटली, जबकि डलहौज़ी ने बिल्कुल ऑपोजिट काम किया. जहां उनको मौका मिला, जहां पे भी ऐसी कंडीशन अराइज होती थी, जाके वो कोशिश करते थे कि वो इंडियन स्टेट जो है हाथ में आ जाए, ठीक है. और कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो लैप्स होने की वजह से एनेक्स हुए हैं वो है आपके, देख लेते हैं. सो इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस दैट ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौज़ीज़ टर्म मेनी रूलर्स ऑफ स्टेट्स डाइड विदाउट अ मेल इशू एंड 7 स्टेट्स वर अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टेट्स उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को फॉलो करके एनेक्स किए, जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है सतारा 1848, झांसी एंड नागपुर 1854, और बाकी कुछ स्मॉलर स्टेट्स हैं जैसे जयपुर बुंदेलखंड में, सांभलपुर उड़ीसा में, एंड बघाट इन मध्य प्रदेश. ओके, 1856 में लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध को एनेक्स कर लिया. And after deposing Nawab Wajid Ali Shah on the grounds of misgovernment, उन्होंने कहा कि आप सही से सरकार नहीं चला रहे हो एंड अब आपको ये जो स्टेट है ये हमें देना पड़ेगा, एंड ये कह के उन्होंने अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया. नाउ आपको यहाँ पे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं 1857? यस, दिस वॉज द ईयर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. तो यही कुछ जो है ना ग्राउंड्स बनने वाले हैं आपके, प्रिल्यूड हैं ये आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए, ठीक है. नाउ डलहौज़ी एनेक्स्ड 8 स्टेट्स ड्यूरिंग हिज 8 ईयर टेन्योर, और अपने जो भी गवर्नर जनरलशिप के उनके 8 ईयर्स थे उसमें उन्होंने 8 स्टेट्स को एनेक्स किया, ठीक है. एंड इन दीज 8 ईयर्स
ही एनेक्ट सम क्वार्टर मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हिज रीन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया विच बिगैन विद द विक्ट्री ओवर सिराज उद दौला एट प्लासी इन 1757. तो इनका जो ये रीन था, इनका जो ड्यूरेशन था गवर्नर जनरल का, यहाँ पे उस प्रोसेस जो एक्सपेंशन का पूरा प्रोसेस अब पहले से चला आ रहा था 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से चला आ रहा था, वो इनके टाइम तक आते आते ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. दैट इज ब्रिटिश पावर काफ़ी हद तक अब एस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया में. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड जो आपका मेन क्वेश्चन था जिसमें आपको तीनों पॉलिसीज एक्सप्लेन करनी थी, वो भी आपका कवर हो गया है. एंड जब इसको आप देंगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, तो ऑब्वियसली आपको बताना है दैट क्या कंडीशन थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के. दैट इज़ अगर कोई बिना लीगल हेयर के डेथ हो रही है किसी इंडियन रूलर की, तो क्या टर्म्स थे, क्या कंडीशंस थे एनेक्स करने के. ठीक है, एंड क्या क्या स्टेट्स आपके एनेक्स हुए हैं, दैट यू हैव टू टेल. नाउ बिफोर दैट, यहाँ पे कुछ बॉक्स में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है. द अवध वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द सर्वाइविंग स्टेट्स ब्रॉट अंडर द सब्सिडियरी अलायंस एंड द क्रूअल इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम रिजल्टेड इन इट्स कंटिन्यूस माल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, आफ्टर दिस सब्सिडियरी अलायंस जब उसमें आ गया था अवध, तो उसमें माल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हुआ, क्योंकि जो आपके नवाब्स थे वो भी काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट, दैट इज दे यूज टू स्पेंड अ लॉट, एंड ये पूरा 80 ईयर्स तक चला आपका. तो अवध का स्टेट ऑफ अफेयर्स काफ़ी डिक्लाइन हो गया था इस टाइम पे, एंड 1819 में नवाब वॉज गिवन द टाइटल एंड स्टेटस ऑफ किंग. वेरी इंपॉर्टेंट, जो नवाब हैं अवध के, उनको 1819 में किंग का टाइटल मिल गया था. तो ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, एंड देन इट वॉज अ पॉलिटिकल ब्लंडर फॉर विच ब्रिटिश हैड टू पे अ हैवी प्राइस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. अभी मैंने बताया कि ये ग्राउंड बनेगा जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो यही बना भी. अगर ये इसको एनेक्स नहीं करते अवध को, तो शायद रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें देखने को नहीं मिलता. तो ये भी इंपॉर्टेंट है दैट एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज अ पॉलिटिकल ब्लंडर फॉर विच ब्रिटिश हैड टू पे. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर थ्री इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, दैट इज रिंग फेंस, सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या रिलेशन है ब्रिटिश इंडिया के हमारे नेबरिंग कंट्रीज से. And yeah, don't forget to like, share and subscribe. Meet you in the next lecture. Thank you.